भी है, बताओ क्या लेके आओ। मैंने आपका कभी गाड़ा हा? मैंने सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को स्टे किया था लोसर में। ये है पूरा, यहाँ रात को स्टे किया और अभी के सुबह 6 बज रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। सो मेरे साथ में एक यूट्यूबर भाई भी रुके थे, जस्टिन यूट्यूबर के नाम से उनका चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो यहाँ से अब रेडी होकर के निकलते हैं। पैनियर्स वगैरह भी बाइक से नहीं उतारे थे कल रात को। सो अब सिर्फ टॉप बॉक्स लगा के और आगे निकलते हैं। भैया हैं जो हमारे साथ रात को रुके थे। हेलो। सो यहाँ से रेडी होकर के निकलते हैं। सो बाइक बिल्कुल रेडी है। अब निकलेंगे चंद्रताल के लिए शायद, या फिर सीधा मनाली के लिए। देखते हैं आगे पता चलेगा कि चंद्रताल जाएंगे कि मनाली जाएंगे। सो बहुत इस चक्कर में मैंने पूरा फेस और सब कुछ कवर कर रखा है क्योंकि बहुत बुरी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। सो अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकल के फिर आगे जहाँ जहाँ रुकूँगा वहाँ आप लोगों को दिखाता रहूँगा। सो अब चलते हैं यहाँ से। ये जस्टिन भाई है। तो निकल गए लोसर से। अब ये लोसर के बाहर ही चेक पोस्ट है पहला। यहाँ एंट्री करवा के आगे निकलेंगे। चंद्रताल तो नहीं जाऊंगा यार, बहुत बुरी हालत है, नहीं कवर कर पाऊंगा। हालत होने वाली है भयंकर खराब। सीधा मनाली निकलूंगा। तबीयत भी ढीली है थोड़ी सी, तबीयत भी सही नहीं है ये भाई। तो हो गई एंट्री, एंट्री करके अब निकल गए। यो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो। वाटर क्रॉसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है तो रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि ये पेनली है तो थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा रिस्क है तो रिस्क पे रिस्क नहीं लूँगा। पेट्रोल का भी कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ आगे और कितना लग जाए वाटर क्रॉसिंग वगैरह में, उन चीज़ों में। डंपिंग साइट लो सर, यहाँ क्या डंप करते होंगे भाई, कुछ तो होगा। तो वापस से ऑफ रोडिंग चालू हो गई है अपनी। अच्छा रोड जो था वो पीछे तक ही था, अब ये पूरा रोड, मतलब ये पूरा रोड सीधा मनाली तक ऐसा ही रहेगा। और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ओके, रिस्क नहीं लेना है क्योंकि इंजन वाले उसमें भी कोई जुगाड़ नहीं है अपने पास, इंजन बैच प्लेट नहीं है। सो धीरे 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 ही जाना पड़ेगा देखते हुए। और चलाना है, ऐसे ही जाना है। मनाली 245 है? मनाली 245 इतने से जो
और बहुत सारी छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग आने वाली है। एक अभी जस्ट रिसेंटली ही गई है पीछे, और ये देख सकते हो आप लोग पूरे पे मतलब जितना भी रोड है पूरे पे साइड में, मैं थोड़ा साइड में ले लूँ, हाँ इस तरफ लेने में फ़ायदा है। हाँ तो ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है, और ये मतलब इस टाइम तक अगर बर्फ़ जमी हुई है तो इस बार स्नोफॉल कैसा हुआ होगा ये समझ में आता है। और बहुत ज़्यादा ठंड है, हालत ख़राब हो चुकी है ठंड से, और अभी भी इस टाइम पे पीछे थोड़ा सा पानी था वो जमा हुआ था, और ब्लैक आइस अभी भी हल्की फुल्की बीच बीच के रास्ते में देखने को मिल रही है। तो एडवेंचरस तो है ये, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा माहौल ऐसा हाल मिलेगा, लेकिन मिल गया। बाकी आगे देखता हूँ, थोड़ी तबीयत अगर सही हुई, थोड़ा सब कुछ नॉर्मल चला तो चंद्रताल जाऊँगा, नहीं तो फिर सीधा निकलूँगा और सीधा फिर केलांग जा कर के। ओहो रिस्की रोड निकल भाई। तो यार ठंड ने हालत खराब कर रखी है सीरियसली। सितंबर में आता तो सही रहता, तब क्लियर मिलता तो बाइक चलाने में मज़ा ज़्यादा आता। ब्लैक आइस जमी पड़ी है अभी भी। सूरज देवता थोड़ा रहम करो लोगों पे, अब तो हटवाओ ये स्नो, यहाँ तो माइनस में चल रहा अभी भी टेम्परेचर। उधर मत जाना भैया, ब्लैक आइस है। हाँ कहीं जस्टिन भाई घुस जाए ब्लैक आइस में, और टायर फ्री होने के बाद थोड़ा सा स्लिप होने का डर रहता है, तो ब्लैक आइस से बच के चलना चाहिए। क्या बात है, मतलब गियर दूसरा लग ही नहीं रहा, पहले गियर में चला रहा हूँ। मुझे लगता है गियर पूरा पार करते ही सबसे पहले मेरे को पेट्रोल लगाना पड़ेगा। सीनिक व्यू, अमेजिंग अमेजिंग। वो आ गया कुंजुम पास, कुंजुम माता मंदिर, तो माता के दर्शन करके निकलेंगे आगे। और दिस इज द अमेजिंग व्यू, ठंड है सब कुछ है, तबीयत भी खराब है, सारी चीजें है, लेकिन व्यू तो अमेजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो नजारे कुदरत के, हाथ ही नहीं लग रहा है, है? हाँ थोड़ा सा बाहर निकला, ठंडे हो गए मेरे तो यार, गजब है। रात को गए यार, गजब है गजब। कुछ नहीं
कुंदम माता हम आए ना उस समय मेरी वीडियो बना। हाँ बड़ा वो मम्मी कैसे बना देना फिर दोबारा जाऊँगा फिर कैसे बना देना। दिस इज अमेजिंग व्यू फ्रॉम कुंजुम पास। सितंबर में मैं मतलब 4-5 साल पहले आया था जब ऐसा सीनिक व्यू तो कभी भी नहीं मिला। ये भी अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस तरह का वेदर इस तरह का सीनिक व्यू मिल गया है। और ये खड़ी हमारी बेनेली TRK। अब यहाँ 10-5 मिनट रुक करके फिर आगे निकलेंगे चंद्रताल लेक। देखता हूँ अभी टाइम देख करके डिसाइड करूँगा कि चंद्रताल जाना है कि नहीं। सो कुंजुम माता मंदिर है, जय हो कुंजुम माता। माता रानी के दर्शन करके अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। ये क्या लेके आओ भैया, आप ये बताओ क्या लेके आओ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है बताओ। और इतनी दूर गए थे, यहीं से ले लेते। बिल्कुल साफ क्रिस्टल बैर, क्या बर्फ है यार, हाथ सब लोगे। सो फाइनली इस अमेजिंग व्यू पे हम पहुंच गए अपनी बेनेली TRK से। ये व्यू है कुंजुम पास का जो 15,000 फीट पे है और बहुत है यहाँ का और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी यहाँ पे, ना तो पानी में है ना ऑक्सीजन भी कम है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मेरी। लेकिन ये नज़ारे और ये जो व्यू है ये खींच लाते हैं मुझे इन चीज़ों की तरफ। सो ये कुंजुम माता का मंदिर है और ये यहाँ का पीछे का पूरा व्यू है। और बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं हवा की वजह से। और पूरे रास्ते में सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि पूरे रास्ते में स्नो ही स्नो मिली, रोड पे साइडों में स्नो पड़ी हुई थी। एडवेंचरस रूट हो गया, जो जैसे स्टार्टिंग में रोहतांग पास खुला करता था ले के लिए वैसा ही पूरा रूट है। सो अब यहाँ से निकल के देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ खाऊंगा। अभी तो सबसे पहले हालत ख़राब हो रखी है, कल से दोपहर से खाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कल से। सो अब चलता हूँ यहाँ से। और ये खड़ी है अपनी बेनेली। फुल ट्रिप रही है, अमेजिंग व्यू है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस हिसाब से व्यू मिलेंगे लेकिन मिल गए। इतनी बार भी आया हूँ कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला इस साइड पे, लेकिन मिल गया। सो अब चलते हैं गाड़ी से TRK पे, आगे देखते हैं कौन से डेस्टिनेशन पे रुकते हैं। सो अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। तो हमको तो साला आदत हुई गवा है, हमें तो आदत हुई गवा है। बस चाहे कि हल्की गाड़ी होती तो थोड़ा सा और जल्दी चलते, ये थोड़ा सा भारी गाड़ी हुई गवा है। हल्का गाड़ी होता तो हम निकल जाता, अब तक चाचा चाची के कुछ तो खाता, लेमन टी पीऊँगा, बड़ी इच्छा है लेमन जिंजर टी। सो दिमाग खुले, नाक खुले, गला खुले, सो रिलैक्स मिले। दिस इज आपसे बादल और ये सारा कवर हुआ है। मेरे को लगता है कि मैं शाम तक केलों कंप्लीट करके वापस मनाली पहुंच चुका हूँ। ओहो
क्या बात है, ओह क्या बात है। मैं तो बहुत छोटा हुआ करता था पानी वाला, बड़ा हो गया है बारिश बर्फ के चक्कर में, बड़ा हो गया है। चलो ये तो अच्छा है कि ब्लैक आइस नहीं, नहीं तो वो और एक आफत रहती। तो रोड तो एडवेंचरस है, और ये पानी शायद आगे तक है और आगे बस ब्लैक आइस ना मिले, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सब झेल लेगा तुम्हारा भाई। तो अब हम आ गए हैं, सबसे फेमस ढाबा है पूरे हिमाचल का, वहाँ पे चाचा चाची का ढाबा। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आगे निकलेंगे। ले 565। तो ये रहे चाचा चाची। चाचा चाची चंद्र ढाबा बादल। कैसे हो? ठीक है बेटा, आप सुनाओ। बस हाँ, क्या चीज मोर्चल देख के खुश होना बड़ा। हाँ बहुत अच्छा मोर्चल, महंगा दौड़े तो। हाँ 7-1 लाख रुपए का है। 7 लाख रुपए में गाड़ी आ जाए। तो हम अभी यहाँ रुके हैं बातल में, चल पे फोटो के लिए कह रहे हैं। अच्छा फोटो खींच रहे हैं आप बता। यहाँ रुके हैं चाचा चाची के ढाबे पे बातल में, जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस है। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, और पड़ता है जब अपन चंद्रताल लेक से या काजा से मनाली जाते हैं, जब बीच में बादल में पड़ता है। तो अच्छी चीज़ यहाँ की ये लगती है कि ये लोग जो बाइकर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और दिखने में लगता है, इसकी एंट्रेंस मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे लगता है बहुत छोटी हो। एंट्रेंस बिल्कुल छोटी सी लगती है आगे, लेकिन अंदर जा कर के जब हम देखते हैं तो बहुत बड़ी प्लेस है फॉर डाइनिंग। सो अब यहाँ से हल्का फुल्का खा लिया है, अब निकलेंगे आगे। और ये हमारे सुस्त राम 24 घंटे सुला लो इनको, वो काम नहीं है। चल रहे हैं चल रहे चल रहे आलसी आदमी। सो अब आगे निकलते हैं बादल से। आया ना